आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप सबको यहां पे बुलाने का जो मकसद है, जैसे कि आप सबको पता है 20 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र असेंबली का, उसमें आप देख रहे हो कि भिवंडी शहर में पिछले 10 दिन से अगर किसी कैंडिडेट को समर्थन मिल रहा है हर लेवल पे, तो एक ही है, वो उसका नाम है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है रियाज आजमी। जैसा आपने देखे होंगे कि शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले जो हमारे एमपीए बालिया मामा साहब, उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद एमडीएफ वालों ने समर्थन दिया। उसके बाद सज्जाद नमानी साहब ने समर्थन दिया। उसके बाद डॉक्टर्स के एसोसिएशन थी जिसमें लगभग 500 प्रैक्टिशनर्स है, उन्होंने समर्थन दिया। आज जो समर्थन हमें मिल रहा है वो हमें एमआईएम, जो मीम जिसे कहा जाता है, उसके जो यूथ प्रेसिडेंट है हमारे एडवोकेट अल्तमश अंसारी साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ में तमाम हालात को देखते हुए, भिवंडी वेस्ट की सिचुएशन को देखते हुए, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो हमारे जो लाड़के, मैं तो आमदारी को उन्होंने आने वाले आमदार रियाज आजमी साहब को अपना पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने दावत दी और आप लोग यहाँ पे आए। तो मैं बाबा बहुद्दीन समाजवादी पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत सही वक्त पे फैसला किया आपने। इंशाल्लाह आपकी ताकत हमें एक बड़ी लीड की तरफ ले जाएगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से एडवोकेट अल्तम अंसारी साहब। ज्वाइन होने की वजह, समर्थन की वजह, पहली बात तो मैं तमाम लोगों को आपके चैनल से सलाम पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी को रियाज भाई को समर्थन देने की वजह यह है कि हमारी नाराजगी एमआईएम पार्टी से है और एमआईएम पार्टी के जितने बड़े अहदेदार उनसे है। सबसे बड़ी वजह और दूसरी वजह यह भी है कि एमआईएम पार्टी में जो हमारे बड़े अहदेदार है, जो जिम्मेदार है, वो आज तक कभी भिवंडी में झांकने ही नहीं आए। आज तक कभी पूछा नहीं कि आपकी संगठन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एमआईएम के जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने वारिस भाई को टिकट दिया है, कौन ऑब्जर्वर था, कौन सी ऑब्जर्वर की टीम आई थी यहाँ पे, कौन सी रिपोर्ट है जिसने वारिस भाई का नाम लिया, क्या हमारे भिवंडी शहर में हमारी संगठन में से किसी को भी आप टिकट दे देते तो हम उसका तहे दिल से उसका काम करते और दिन रात एक करके उसके लिए मेहनत करते। लेकिन हमारे लोगों में आज इतना देर करने की वजह, ये समर्थन देने की वजह ये थी कि हम लोगों ने अपने तमाम लोगों की, पिछली बार महेश चौले को मिला था 58,800 करोड़ मिले थे और खाली गुड्डू को मिला था 43,900 गुड्डू बाइक मिले थे और शेब भाई को मिले थे 28,000 करोड़। अगर आप दोनों मुस्लिम वोट काउंट किया जाए तो हिंदू आराम से हारता है। दोबारा भिवंडी वेस्ट में बीजेपी ना आए इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया है। दोबारा बीजेपी की गंदी सोच, गंदी ताकत ना आए इसलिए वोट हमारा ना बटे, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया हुआ है। हमारे वोट तो तकरीबन कम से कम, क्योंकि तो हमारे 5,000+ जो हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन के लोग है, हम लोग सब देखे और इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे हम लोग तो रियाज भाई को समर्थन देने में, उनके लिए वोट करने में। इस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमने रियाज भाई को समर्थन किया है, इसी तरीके से वारिस पठान भी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमने वारिस पठान, वारिस भाई का मामला सबसे बड़ा ये है कि वारिस भाई का वो जो पैराशूट है वो आए है, हम तो वारिस भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जो हमारे ऊपर के जो अहदेदार है वो क्यों हमारे भिवंडी के लावारिस नहीं है? हमारे भिवंडी, क्या हमारे भिवंडी वेस्ट में क्या कोई लायकदार आदमी नहीं है? क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? क्या कोई वो कैपेबल समझदार आदमी नहीं है? आखिर क्या वजह होती है, क्या वजह होती है कि बाहर से ला के हमको दे दिया जाता है? 2019 में भी हम लोगों ने बहुत हमको तकलीफों का सामना इसलिए करना पड़ा था कि हमारी संगठन सबसे ज्यादा मजबूत थी भिवंडी ईस्ट में। हम लोगों ने बार बार बोला, फिर भी एमआईएम ने भिवंडी ईस्ट में अपना नहीं दिया।
और सेम अभी यहाँ फिर वैसे चीज हो जा रहा है, ओट ना बटे, ओट का बंटवारा ना हो, इसलिए हम लोगों ने समाजवादी का समर्थन दिया है रियाज भाई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियाज भाई 2-3 साल से लोगों के बीच में है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका खुद का एक मेडिकल का वैन है जो लोगों के बीच में है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों के बीच में आया जाए उसके बाद इलेक्शन लड़ जाए। लेकिन कल को फिर अगर आज हम लोग पार्टी से अगर हम लोग आज नहीं के खिलाफ बात करेंगे तो कल फिर वही चीज दोहराई जाएगी। इसलिए आज हम लोगों का समर्थन है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं तो समझ में आना चाहिए हमारी नाराजगी ये जाहिर करने का तरीका। हमने ऊपर बात भी किया लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग ने, मेरे तमाम लोग जितने पीछे बैठे हुए हैं और आज कुछ मैयत किए थे, कुछ लोग नहीं आ पाए, हम लोग तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं रियाज आदमी साहब को। और इंशाल्लाह रियाज आदमी साहब जीतेंगे, हम लोग पूरी पूरी मेहनत करेंगे। सर, इस बात की नाराजगी आपने पहले भी जाहिर की थी जब उन्होंने पहला अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ऐलान किया था कि मैं यहां से लड़ रहा हूं। असल में नाराजगी हमने जाहिर की थी, हमने ऊपर आला कमान ने बात की थी, लेकिन फिर भी वहां से हमको बोले रुक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, फोन नहीं करते तो वहां कोई फोन उठाने को राजी नहीं। इसलिए हमारे पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे, हम भिवंडी शहर में दोबारा बीजेपी ना जीत गया है, हम उसके बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। देखा गया कि जो उनके भाई और अमित गांधी ने जब रियाज भाई का समर्थन किया तो रियाज भाई का एक ट्वीट आता है कि दीवार किया गया पार्टी को। भिवंडी में बीजेपी हराना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझको ऐसा लगता है कि रियाज भाई में वो ताकत है, रियाज भाई के साथ संगठना है, और हमको हमारा काम ये है कि हमारा वोट, हमारे लोगों का वोट खराब ना हो, और बीजेपी तीसरी बार थर्ड टाइम ना है, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई का समर्थन दिया। आपको तो नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई? जी बिल्कुल देर हो गई, क्योंकि ये मेरा सिंगल का डिसीजन नहीं था, मेरे तमाम लोगों का डिसीजन था। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कुछ हो जाए, कुछ अच्छा डिसीजन मिल जाए, लेकिन हमको नहीं मिला। फिर हमको ये लग रहा है भिवंडी वेस्ट का माहौल देखते हुए। भिवंडी का नंबर वन SVC इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर, फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी, 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रुपए में। और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में, और साथ में आपको मिलता है जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाइपर राउटर। और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस SVC इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने।